देखिए, मैंने इसकी सारी पत्तियां तोड़ ली हैं। मैं ना उन्हें अपने हस्बैंड से बता करके रखती हूँ। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपनी ऊपर वाली बालकनी में और आके आ गई हूँ यहाँ आकर के। मैंने बहुत सारा काम कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या किया। देखिए, ये पौधे सारे मैंने ढंग से लगाए, जो बिल्कुल ही अजीब तरीके से लगे थे ना, तो उनको मैंने अलग करके लगा दिया है। और ये वाला प्लांट जो है अलग हटा दिया। आज मैंने इसमें से पत्तियां तोड़नी हैं। ये है ओरिगेनो का प्लांट, तो मैं आज ओरिगेनो जो हम पिज़्ज़ा में डालते हैं तो उसे घर पे ही बनाऊंगी। और देखिए, बहुत अच्छी अच्छी पत्तियां हुई हैं इसकी। सारे पौधे जो है ना किसी काम के हैं। जैसे वो छोटा सा जखिया है, जखिया के बारे में भी आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया था। और कुछ भी हो, चाहे छोटा सा चौलाई होगा, लेकिन होंगे सारे काम के प्लांट। और इनके दिखाऊं स्थिति कितने बड़े हो गए हैं, इतने बड़े हो गए हैं। देखो, जो परसों लाई थी ना, तो इतने बड़े हो गए हैं। मैंने एक ही डंडी में से काट काट के इतने सारे बना दिए। और अभी एक और पॉट टूट गया था, तो उसमें से लगा करके मैंने रख दिया। कहाँ पे? ये पुरानी बास्केट पड़ी थी, तो इसमें लगा दिया। देखो, थोड़े दिन अच्छा लगेगा, वैसे फिर इसके बाद ये प्लांट भी खराब होने लगता है। सर्दियों में इतना नहीं चलता और बास्केट भी गल जाएगी। थोड़े दिनों तो बहुत अच्छी शोभा देगा ना, फिर प्लांट को जीवित रखूंगी तो अगली बार फिर गमले में या किसी और चीज़ में लगा दूंगी। तो यहाँ की सफाई भी हो चुकी है, यहाँ मैंने खुद ही किया अपने हाथों से। साक्षी ने भी सहायता करी है, ऐसी बात नहीं है। और कुछ डिब्बे मैंने रख दिए हैं जो प्लास्टिक के, मतलब डिस्पोजेबल, जिन्हें फेंक देना चाहिए, पर मैं ना उन्हें अपने हस्बैंड से बचा करके रखती हूँ। वो फेंक देते हैं सीधे, कहते हैं तुम्हारी कबाड़ रखने की आदत है। हाँ, है भी, देखो इतनी कबाड़ ही तो है, पर इसमें प्लांट इतने अच्छे लगेंगे, क्या बुराई है रखने में, है ना। और किसी को देने के लिए भी अच्छे अच्छे प्लांटों को इसमें कटिंग करके, जैसे मेरे प्लांट कट जाते हैं जब कटिंग कराते हैं, जैसे छोटी टहनियाँ निकल के आ जाती हैं, और उनको मैं इसमें लगा दूंगी जो अच्छे हैं, छोटे छोटे, चाहे इसमें भी लगा दूँ, तो वो एक पौधा बन जाएगा। किसी को दे दो और वो अपने घर पे उसकी मेहनत कर करके, उसका ध्यान रख के वो बड़ा हो जाएगा, है ना। कटिंग ले जाने से अच्छा उसे भी पौधा मिल जाएगा तैयार करा हुआ। तो मैं इस तरीके से यूज़ में लेती हूँ। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं अपने लिए बहुत बड़ी बात समझती हूँ इसको, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ों का बड़ा शौक़ है। तो ये प्लांट है, इसे अजवाइन का पौधा कहते हैं, वैसे आप लोग जानते ही होंगे। और वैसे है ये ओरिगेनो, जो ओरिगेनो हम पिज़्ज़ा में डालते हैं वही ओरिगेनो है। आप इसे सब्जी में डाल करके, या इसकी क्या कहते हैं, जवे में, सब्जी में, और पकौड़ी बहुत अच्छी बनती है इसकी। हाँ, तो आप देखिए, मैं इसको काट करके ऐसे तोड़ लेती हूँ, तो मैं इसमें तोड़ लेती हूँ इनको। देखो, बहुत अच्छी पत्तियां हो रही हैं, आप ऐसे पहचान कर सकते हैं इस पौधे की। देख लीजिए, ये इस तरीके का पौधा होता है, और इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, पता नहीं ये वाला कौन सा पत्ता हो रहा है इसका, अजीब ही सा हो रहा है। तोड़ के दिखाऊं, ये पता नहीं ऐसे क्यों हो रहे होंगे, कहीं कहीं पे हो रहे हैं, या तो इसका ये कुछ डिजाइन ही होता होगा ऐसा। तोड़ लेती हूँ मैं, इसका भी ना डंडी लग जाती है, पता है, जैसे ये हो रहा है ना, ये देखो, इसमें से ऐसे भी तोड़ करके ये सब लगा दूंगी मैं अभी अलग अलग पॉट में, तो ये सब हो जाएंगे इस तरीके से, सभी लग जाएंगे, मैं अभी लगा दूंगी यहाँ पे इन्हें। पहले मुझे भी नहीं पता था ये ओरिगेनो होता है, तो मैंने भी किसी वीडियो ही में देखा था, मुझे पता चला, मैंने कहा ये तो मेरे घर में बहुत है, तो मैं क्यों मंगाऊं उसे। अरे, बहुत जल्दी सूख जाती है पत्तियां, होती तो मोटी है ना, पानी भरा हुआ, इसको क्या कहते हैं,
गैस वगैरह में भी, अगर आप के पेट में गैस बनी हुई है, एसिड बन रहा है, तो इसकी दो चार पत्तियों को धो कर कैसे, अभी धुलाई मैंने तो पानी डाल रखा है, गंदा नहीं है। अरे इतनी अजवाइन जैसी हो रही है ना, बहुत अच्छी लगती है। मस्त लग रही है, प्यास में पहले पानी पी लेते हैं। बस आलू बिटा सकते हैं वैसे, बजा के ठीक कर लो अपने। हाँ तो मैं अभी इतने पत्तों का बनाऊंगी, ये काफ़ी हो जाएगा क्योंकि इसका यूज़ रोज़ नहीं करती हूँ, रोज़ रोज़ पिज्ज़ा थोड़े ना बना रही हूँ कोई ये। तो मैं इसे सुखा देती हूँ इसमें, बस ऐसे ही रख देंगे इसको। मैंने अभी पत्तों की धुलाई कर रखी है, पत्तों की धुलाई कर रखी है, अभी पानी दिया था ना ऊपर से, तो ये साफ़ हो रहे हैं। देखिए मैंने इसकी सारी पत्तियां तोड़ ली हैं और ये भी बड़ी हो जाएंगी, अभी ज़रूरत भी नहीं है इससे ज़्यादा मुझे। ये प्लेट मेरी गीली हो गई है तो मैं इसे कपड़े में सुखा देती हूँ, इन पत्तों को, बहुत जल्दी सूख जाएंगे, अलग अलग करके रखूँगी इस तरीके से। तो ये इस तरीके से सुखा दिए हैं मैंने, अब ये बहुत जल्दी सूख जाएंगे, तेज़ धूप पड़ेगी तो ये दो ढाई घंटे में ये भी सूख सकते हैं, नहीं तो पंखे के नीचे भी आराम से एक दिन में सूख जाएंगे। और इनको क्रेश करके मैं फिर आपको दिखा दूँगी कि कैसे मैंने बनाया। तो जब इतने से सस्ते प्लांट, जो एकदम से कटिंग से लगने वाले प्लांट से बन सकता है ओरिगेनो पाउडर, तो हम पैसे खर्च क्यों करें। इसीलिए आज मैंने आपको बता दिया कि बिना पैसे खर्च करे कैसे हम बना सकते हैं घर में। दोस्तों वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करने के साथ साथ, अगर चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर करके अपना प्यार और सहयोग अवश्य दीजिएगा।